गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों अब तुम लोग को एक कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, बुद्धिमान खरगोश। पहले ही पढ़ाए होंगे शायद, तो फिर मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि एक कहानी भी पढ़ाना होता है। तो खरगोश के आगे क्या लगा हुआ है? बुद्धिमान यानी चालाक यानी ज्ञानी। बच्चों यदि कोई बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, चतुर हो, तो वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। उसके ज्ञान जो है वह समस्या का समाधान करने में बहुत मदद करता है। तो किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह जब चाहता जानवरों को मारकर खा जाता था, ठीक है। इससे सभी जानवर एक सभा की आयोजन किया। इससे घबरा कर सभी जानवरों ने एक सभा का आयोजन किया। सारा जानवर मिलके जंगल में एक मीटिंग किया। सभा के मुखिया भालू ने एक उपाय बताया कि यदि शेर को यह समझा दिया जाए कि उसे रोज एक जानवर खाने को मिलेगा, तो जानवरों के मरने की संख्या कम हो जाएगी। क्या बताया भालू ने कि हम लोग शेर को समझाएंगे कि शेर भैया, आप तो ऐसे भी हम लोग को पकड़ के खा जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं, तो आपको एक जानवर चाहिए, तो हम लोग प्रतिदिन आपके पास एक जानवर खुद ही भेज देंगे और उसी को आप खा लीजिएगा। आपको भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हम लोग का भी संख्या एक ही बार में ख़त्म नहीं होगा। शेर के सामने यह प्रस्ताव रखा गया। शेर खुश हो गया। खुश भी क्यों न हो, बोला मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि शेर को लगा कि मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तहाँ बौखना भी नहीं पड़ेगा, एक आहार खुद ही आ जाएगा। लेकिन उसने एक शर्त के अनुसार एक शर्त लगा दिया। शर्त के अनुसार रोज एक जानवर सही समय पर शेर के पास पहुँच जाता है और शेर उसे मार के खा जाता है। शर्त था कि प्रतिदिन वहाँ पर एक जानवर अपने आप पहुँच जाना चाहिए। यह देखकर नन्हा खरगोश बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, इस प्रकार तो जंगल के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे, मुझे कुछ करना चाहिए। किसने सोचा? नन्हा खरगोश ने। यह खरगोश ने, देखो सभी जानवर, हाथी, भालू है ना, खरगोश, बहुत सारे पशु पक्षी जो है जंगल में रहते थे, और शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। तो खरगोश ने सोचा कि क्या बुद्धि लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। देखो भालू जो है ये समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उसने आत्मसमर्पण किया है ना। लेकिन खरगोश ने एक समझा, यदि कुछ बुद्धि लगाया जाए तो ये शेर को ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार तो जंगल के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। उसने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। वह दूसरे जानवरों के पास गया और बोला, आज शेर के पास कोई नहीं जाएगा बल्कि मैं जाऊंगा। क्या कहा उसने कि भाई आज जिसका भी टर्न हो, लेकिन मैं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि एक बुद्धिमानी से शेर को सबक सिखाया जा सकता है। बच्चों वह शेर के पास थोड़ी देर बाद पहुंचा, समय पे नहीं पहुंचा, देर से पहुंचा, जानबूझकर। शेर भूख से व्याकुल हो गया था, और जो लोग भूख से भूखा होता है वह क्रोधी भी बहुत हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। खरगोश को देखते ही शेर गुस्से से पागल हो गया। उसने गरज कर खरगोश से कहा, कहाँ रह गया था रे तू,
खरगोश बोला, क्या करूं महाराज, जब मैं यहाँ खुशी खुशी आ रहा था आपका भोजन बनने के लिए, हाँ पहले तो बोला कहाँ रह गया था तू, एक तो तुम इतना छोटा है कि मेरा पेटे नहीं भरेगा और उसमें तुम देर से आया है, क्या क्या बोला, कहाँ रह गया था तू, और इसमें एक वर्ड जोड़ता हूँ, एक तो तुम नन्हा है मेरा पेट नहीं भरेगा। खरगोश बोला, क्या करूं महाराज, क्या करूं शेरराज, हे जंगल के राजा, मैं क्या करूं, जब मैं यहाँ खुशी खुशी आ रहा था आपका भोजन बनने, तभी रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और उस शेरवा जो है कह रहा है कि तू कहाँ जा रहा है रे, वो मुझे खाना चाहा। मैंने उसे समझाया कि देखो भाई, मुझे दूसरा शेर के पास जाना है क्योंकि मैं उसका भोजन हूँ, आज वो मुझे खाएगा। मैं किसी तरह उससे कहकर आया हूँ कि भाई तुम हमको छोड़ दो, नहीं तो उसको पता चलेगा तो तुमको खा जाएगा, वो मार देगा। लेकिन वो हमको धमका रहा था कि कोई शेर नहीं है, असली शेर हम हैं, जानवर राजा इस जंगल का मैं राजा हूँ, तो मैं कहकर आया हूँ कि आपसे पूछ कर बताऊँगा, तब जाकर जान बची और मैं किसी तरह यहाँ आया। दूसरे शेर की बात सुनकर शेर गुस्से से पागल हो गया। एक तो वो भूखा था, भूखा व्यक्ति है ना, हंग्री मैन इज एंग्री मैन, ये कहावत है कि भूखा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है। पागल हो उठा और खरगोश से बोला, मुझे तुम वहीं ले चल, तो वहाँ दूसरा शेर कौन है, हम देखना चाहते हैं कि कौन जंगल में दूसरा शेर हो गया है मेरे रहते हुए, यहाँ का तो राजा मैं हूँ, ये दूसरा राजा कौन आ गया। उसने खरगोश से कहा, खरगोश को भी लगा कि उसने जो प्लानिंग किया है वह प्लानिंग ठीक ठाक चल रहा है। खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा बच्चों, कुएं के पास, किसको, जिसके पास वह भोजन बनने गया था उस शेर को लेकर पहुँचा। कुएं के अंदर इशारा करते हुए बोला, वह शेर इसी कुएं में रहता है, जो शेर हमको रोका था ना, आपके पास नहीं आने दे रहा था, वो इस कुआं में रहता है। तो शेर तो गुस्सा में था और गुस्सा में आदमी के पास क्या रहता है, बुद्धि ख़त्म हो जाता है। जब आदमी क्रोध में आता है तो उसका बुद्धि मर जाता है, ठीक है। वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता था। शेर ने कुएं में झाँका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई पड़ी, उसको अपना ही छाया दिखाई पड़ा। लेकिन उसने गुस्से में दहाड़ा, ठीक है, तो कुएं से दहाड़ने की आवाज़ ध्वनि दोबारा गूंजी। बच्चों इको साउंड बन जाता है कुआं में, जो तुम आवाज़ करोगे ना वही आवाज़ प्रतिध्वनि बनकर तुम्हारे पास पहुंचेगा। पहाड़ों पर क्या नाम है, खाली घरों में और कुएं में जब तुम बोलोगे तो एक आवाज़ रिटर्न आती है, तुम्हारा ही आवाज़ तुम्हारे पास आती है, उसको बोलते इको, यानी प्रतिध्वनि, ध्वनि तुम्हारे तरफ लौट करता है। तो शेर ने जोर से दहाड़ा, वो अपना ही परछाया देख के, वो तो सोचा नीचे कोई शेर है, तो उधर से भी उतने ही जोर से आवाज़ आया। शेर को बड़ा गुस्सा लग गया, अरे हमारा एरिया में कौन आ गया है जो हमको चैलेंज कर रहा है, हमको टेंशन दे रहा है। वो और गुस्से में चिल्लाया तो उधर से भी आवाज़ और गुस्से में आया। बस शेर का तो आदत है कि वो हार मानने वाला है नहीं, बस वो क्या किया, उस शेर को क्या किया, मारने के लिए उसी कुआं में कूद गया। जब कूद गया तो थोड़ा देर बाद में वो क्या हुआ, मर गया पानी में डूबकर। तो कहने का अच्छा अर्थ है बच्चों, इस कहानी का सीख है, मुसीबत के समय में हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। किस समय में, जब हम कोई समस्या, मुसीबत मतलब जब हम कोई समस्या में रहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। किसका बुद्धि प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान का, समझ गया, चतुराई।
ठीक है, कौशल, ये सब उसी का पार्ट है ना। तो हम जो है कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखो खरगोश एक छोटा सा जानवर, उसने शेर को बुद्धू बनाकर उसे उसका भोजन भी नहीं बना और उसके को मार भी दिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।